माय फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आज आप सोच रहे होंगे कि एक और जो है वो केक की रेसिपी आ गई है जी हाँ आ, हसन की बर्थडे है आज आज दो सितंबर है तो उनकी बर्थडे होती है तो मैं केक बना रही थी उनके लिए रेड वेलवेट केक तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर लूँ तो चले चलते हैं आ, हम अपनी रेसिपी की तरफ तो इसके लिए जो है आपने स्क्रीन पर देख ये थे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए आ, लेकिन मैं आपको क्वान्टिटी बता साथ बताती जाऊंगी और आपने स्क्रीन पे भी इसकी क्वांटिटी जो है वो देख ली है मैं दो केक बना रही हूँ लेकिन जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो एक केक की है ठीक है आपने फिर अपने हिसाब से कर लेना तो जब आपके जो है वो मिक्सचर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा एग वाइट का फिर आपने आ, थोड़ा थोड़ा करके चीनी मिक्स करनी है चीनी मिक्स करने के बाद जब आपकी चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी फिर आपने अंडे डाल लेने अंडे हमें चार चाहिए मैंने दो अंडे की आ, आ, क्या कहते हैं उसको जर्दी डाली है और साथ में जो है वो वन टी स्पून वनेला एसेंस डाला है और इसको बीट करूँगी अच्छी तरह से फिर उसके बाद दोबारा दो और एग वाइट की जर्दी लूँगी और फिर इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी इसको बीट बहुत अच्छी तरह से करना है अच्छी तरह से बीट करने के बाद ये है हमारे पास ऑयल ठीक है ऑयल जो है वो हमें वन बाय फोर कप चाहिए उसके बाद ये डालेंगे और फिर हम इसको अगेन बीट करेंगे अब हमारा जो है वो अच्छी तरह से बीट हो चुका है अब जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें एक कप मैदा है उसके अंदर जो है वो वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और वन टेबल स्पून कोको पाउडर ठीक है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने मिक्स कर लेना है एक साथ ही और मिक्स करने के बाद आपने जो हमने केक का जो है वो ये तैयार किया है बैटर तैयार किया इसमें आपने डालना है लेकिन सारे का सारा आपने इकट्ठा नहीं डालना वरना आपसे मिक्स नहीं हो सकेगा आपने जो है वो ऐसे तीन तीन चार चार टेबल स्पून करके तो हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और इसके अंदर हम अब डाल रहे हैं मिल्क जो मिल्क है वो भी हमें वन बाई फोर कप ही चाहिए जितना हमें ऑयल चाहिए वन बाई फोर कप उतना ही हमें मिल्क चाहिए वन बाई फोर कप ठीक है और आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मिक्स करना है जब देखें कि ये मिक्स हो चुका है फिर आपने थोड़ा सा और जो हमारे पास ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपने थोड़े से और डालने हैं और फिर इसको मिक्स करना है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले है जब ये आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रेड कलर ठीक है वैसे तो पांच से छ जो है वो ड्रॉप्स काफ़ी हैं लेकिन ये डिपेंड करता है है आपके आपके फूड फूड कलर कलर पे कि पास कौन सा जो अच्छे बहुत फूड कलर होते हैं वो थ्री से फोर उसके ड्रॉप्स भी इनफ होते हैं लेकिन कुछ जो है वो आपको ज्यादा भी डालने पड़ते हैं तो ये देखें हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है अब मैं इसको डाल रही हूँ अपने केक के जो है वो पैन में ठीक है आपने ये डाल के आपने ओवन को पहले 180 पे प्रीहीट कर लेना है ओके आ, ये देखें निशान हमारा प्रीहीट वाला खत्म हो चुका है इट्स मीन्स के प्रीहीट हो चुका है हमारा ओवन उसमें हमने अब जो है वो केक रख देने हैं ये केक जो है वो मेरा थर्टी फाइव टू तो फोर्टी मिनट्स में जो है वो रेडी हुआ था आ, तो केक तो रेडी हो गया था लेकिन आ, उसकी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका उस वक्त मोबाइल की जो है वो बैटरी ख़त्म हो चुकी थी तो वो आ, जब तैयार होकर के, मैंने केक निकाला तो वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी सॉरी तो अब आ जाते हैं हम आ, केक के क्रीम को बनाने की तरफ ठीक है ये फ्रेश क्रीम मैंने ली है ये डालेंगे इसके अंदर हमने जो है वो शुगर डालनी है आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस वन टीस्पून डालना है और आइसिंग शुगर जो है वो मैंने थ्री से फोर टेबल स्पून डाले हैं और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेने आपने इसको इतना बीट करना है कि ये कोई जो है वो ना करे उसको क्या कहते हैं नीचे ना गिरे अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी ये वो पॉइंट होता है कि जब आपको आ, मतलब पता चल जाता है कि हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है ये देखें मैं अब बाउल को उल्टा कर रही हूँ कोई क्रीम नीचे नहीं गिर रही इट्स मीन्स कि ये रेडी हो चुकी है अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है कि जब तक मैं केक को आ, कट करके रेडी कर लूँ मैंने इस केक के ऊपर जो वो आ, होता है ना एक तय आ जाती है क्रम्स होते हैं जो वो मैंने उतार दिए हैं ठीक है वो भी आगे बताती हूँ कि उससे हमने क्या करना है मैंने इस केक को दो हिस्से कर लिए हैं आज आपने ये वरी नहीं करना है कि आंसर के पास तो जो है वो ये दो केक है नहीं है मैंने जो आपको क्वान्टिटी बताई आपने उस हिसाब से करना है जो ऊपर वाले जो क्रम थे वो मैंने पैन में लेके तो इसको और थोड़ा सा हीट कर लिया मैंने पैन में ये हम ऊपर डेकोरेट के लिए इसको रेडी मैंने कर लिया ठीक है अब जो है मैंने आ, थोड़ी सी क्रीम ली है ये तरीका आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने केक में तो अगेन भी आपको बता देती हूँ कि सिंपल वही है कि आपने जो है वो पहले दूध ले लेना है उससे भी आप केक को थोड़ा सा सोक कर सकते हैं नहीं तो जैसे मैंने आ, ये पाइन का जो टीन था उसका जूस था उससे भी मैंने सोक कर लिया इससे केक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है बस आपने जो भी अंदर फिलिंग करनी है वो करते जाना है लेयर के ऊपर लेयर जो है वो रखते जाना है और आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि मैंने फोर लेयर का बनाया है तो मैंने फोर लेयर इस तरह वन बाय वन करके तो रेडी कर लिया यहाँ पे देखें कि मेरे चार जो है वो लेयर रेडी हो चुके हैं तो अब मैं इसको फर्स्ट कोट कर रही हूँ जिसको क्रम कोट कहते हैं अच्छी तरह से वो करके कि जो ये हमारे केक है मतलब ये होता तो ये मैदा जैसे ये ब्रेड है इसके ये जो है वो आ, है ना क्रम ये नज़र ना आए इसलिए इसको पहला कोट करते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देते हैं दस मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए उसके बाद जो है वो दूसरा कोट इसके ऊपर आता है जो कि फिनिशिंग कोट होता है तो मैंने पहले वाला कोट कर लिया हुआ है ये देखें उसको मैं हल्का सा स्मूद कर रही हूँ केक को और ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ दस मिनट के लिए अब मैंने दस मिनट के बाद केक निकाल के तो अब मैं इसको दूसरा कोट कर रही हूँ जो कि नीट मैंने जो है वो कोट करना है और वो पहले आपने जो है वो साइडों से अच्छी तरह से कर लेना है और आपने अच्छी तरह से क्रीम लगानी है क्रीम में कोई कंजूसी कर नहीं करनी है क्योंकि ये फ्रेश क्रीम केक है तो ये जितनी अच्छी इसके ऊपर क्रीम होगी उतना ही जो है वो इसको खाने में मज़ा आएगा तो आप देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से इसके क्रीम की कोटिंग कर रही हूँ और फिर जो है वो आपने कार्ड ले लेना है मैंने पहले भी आपको ये तरीका बताया इससे बहुत अच्छा केक जो है वो स्मूद होता है तो आपने अच्छी तरह से इस केक को स्मूद कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ स्मूथ करने के बाद जो है वो फिर दूसरा पॉइंट आता है इसको डेकोरेट करने का तो वो मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको जो है वो कैसे डेकोरेट किया क्योंकि हसन को जो है वो बहुत सिंपल केक ही पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने इसको कुछ ज्यादा डेकोरेट नहीं किया है बहुत ही मैंने जो है वो नाइस से इसको डेकोरेट किया है मैंने वही फ्रेश क्रीम जो थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो मैंने ये फ्लावर बना लिए हैं ठीक है, है? फ़्लावर्स बना के आप कोई सी भी नोज़ल ले सकते हैं आपके पास जो भी फ्लावर की नोज़ल है वो आप ले लें और आप अपनी मर्जी से जो है वो डिज़ाइन बना लें तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये सारा डिज़ाइन जो है वो अच्छी तरह से बना लिया है ऊपर फ्लावर जो है वो बनाने के बाद ये वो जो हमने क्रम्स थे केक के और उसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा हीट अप कर लिया था आ, क्योंकि केक तो सॉफ्ट होता है तो हीट करने से ये थोड़े से ना मतलब कि हार्ड सा हो गया और उसको मैंने हाथों से ऐसे कर लिया मसल लिया तो ये जो है ना वो अच्छी तरह से आपका जो पाउडर फॉर्म में हो गया ठीक है ये मैंने दरमियान में किया और साइडों पर भी मैं इसी को ही डाल रही हूँ और मैंने जो है वो आ, स्प्रिंकल थे मेरे पास कलरफुल से वो साइडों पे मैंने वो स्प्रिंकल लगा हैं और भी वो, वो, स्प्रिंकल जो है वो मैंने स्प्रिंकल कर लिए तो बस यही पे जो है हमारा केक रेडी हो चुका है अब मैं इसको जो है वो आपको फाइनल लुक दिखाती हूं कि माशाला से मेरा केक इतना अच्छा बना क्योंकि मैंने इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि जिस बंदे के लिए मैं ये केक बना रही हूं तो उसको सिंपल ही अच्छा लगता है तो ये जो है वो बस मैंने ये बना लिया है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त जो है वो केक रेडी हो चुका है हमारा आ, उम्मीद करती हूँ आपको भी ये केक जो है वो बहुत पसंद आया होगा आ, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप ये देखें माशाला से मेरा केक जो है वो रेडी हो चुका है अभी चलते हैं हम टेबल की तरफ के मैंने जो है वो आज हर चीज़ हसन की पसंद की ही की थी क्योंकि उनकी बर्थडे थी तो फिर उसके हिसाब से ही करना था तो उनको यखनी पुलाव बहुत पसंद है उनको जो है वो दम पुख्त बहुत पसंद है और उनको सीख कबाब पसंद है तो और उनको पाइन ऐपल केक पसंद है तो इसलिए मैंने इसकी फ़ीलिंग भी पाइन ऐपल की, की थी तो मैंने हर चीज़ उनकी पसंद से ही की है अगर आपको ये सारी रेसिपीज चाहिए चीज़ों की तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आपको ये मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो मिले तो जल्दी से जो है वो फोन उठाइए और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उम्मीद करती हूं कि आज की जो है वो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मुझे फीडबैक जो है वो जरूर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा है तो दो में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफ Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Hassan Happy birthday to you